अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैर बरकत से होंगे, खुश खुशहाल होंगे। और आजकल तो मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, उसके लिए माजरत, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो बिज़ी होने की वजह से मार्केटिंग का काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए से मेरी वीडियो लेट आ जाती है, तो उसके लिए माजरत है। लेकिन मैं आपके साथ फिर भी ये वीडियो शेयर करता रहूँगा, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट्स भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं वीडियो की तरफ, और ये है एक जंबो बेबी कॉट, और बहुत अच्छा बेबी कॉट है, आपको दिखाते हैं किस तरह का है, और इसकी आपको रिव्यू भी दिखाते हैं, चेक भी कराते हैं, और चलिए शुरू करते हैं, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखने व्यूज, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, और इसके देखिए ये रॉकिंग जैसे कर रहा है ना, अभी आपको बता देता हूँ ये रॉकिंग कैसे होता है। इसको हम यूँ करेंगे, इसका रॉकिंग करने का ये है, ये देखिए रॉकिंग हो रहा है, ये हर रहा है, ये मूव हो रहा होगा, ये देखें ये कैसे मूव हो रहा है, इसके नीचे ये चीज़ लगी होती नहीं, देखें ये मूव हो रही होती है, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे, ये चीज़ें मूव कर रही होती ना, तो बच्चा इसमें आराम से सुकून से सो सकता है। और इसमें ये देखें बेल्ट वगैरह भी दे दिया, और आप चाहे तो उसको बच्चे को कैरी भी कर सकते हैं, कहीं आउटडोर के लिए आप लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो ये बेल्ट वगैरह दिया हुआ है। और इसका जो बेल्ट है वो कैसे खुलता है, वो ऐसे खुल जाता है, ये मैंने बटन दबाया ये खुल गया। अब ये देखिए दोनों को अलग किया, अब आप बोलते हैं कि यार लग नहीं आराम से, इसका लगाने का तरीका ये, इसको ऐसे करके लगाया जाता है, ये देखिए मैं इसको ऐसे करके लगाऊंगा ना, ये दोनों को जोड़ के, तो मेरे हाथ में तो एक कैमरा है और एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, तो हम आपको ये ज़्यादा इसमें बताएँगे। ये देखिए ये मैंने लगा दिया, अब इसको हम इसके अंदर लगाएँगे, थोड़ा सा इसके अंदर आएगा, आप देखें इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये देखिए ये डाल दिया, ये हो गया लॉक, ये लॉक हो गया। बच्चे को कैरी करने के लिए होता है ये, इसलिए लगाया जाता है कि उसके बाजू वगैरह में दर्द ना हो, और बच्चा तंग ना हो, रोने वाला ना हो, वो बच्चे रोने लग जाते हैं ना, तो ये लाजमी अच्छा है। ये फोम लगा होता है इसके अंदर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और वाशेबल भी है, धो भी सकते हैं। और ये देखें ये भी दिया हुआ है, ये बेल्ट को छोटा बड़ा करने के लिए होता है, ये ऐसे छोटा बड़ा करना है, खींचना है ज़्यादा, तो ये वो बटन दिया हुआ है, ये नीचे से आप देख लें, इससे आप कटे को नीचे ऊपर कर सकते हैं, ये देखें। तो ये हम कपड़ा, ये जो कपड़ा है हम इसको नीचे कर देते हैं, बिल्कुल नरम सॉफ्ट है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बच्चा आराम से इसमें बैठ के और झूला खा सकता है और सो भी सकता है इजी होके। और ये कॉस्मोस कंपनी के नाम से आता है, ये देखें कपड़े में लिखा हुआ है, और ये मैं आपको बता दूँगा इसकी प्राइस वगैरह वो बाद में। और इसकी छतरी को ऊपर करना चाहें, ये इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ये देखें ये ऊपर कर दिया हमने, सिंपल ऊपर करना है, ये नीचे करना चाहें ऊपर करना चाहें हो जाता है। और इसकी जो ये लॉक है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये हैंडल कैसे ऊपर होता है, यहाँ पर एक ये देखें ये दो बटन है, एक ये बटन है और एक ये बटन लगा हुआ है, इसको हम देखें ऐसे दबा के ऊपर करेंगे, मगर इन दोनों को साथ में दबा के करना पड़ेगा, मुझे एक हाथ से तो नहीं करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, मैं करता हूँ कोशिश, यहाँ से इसको मैं दबाता हूँ, दोनों को साथ में करना पड़ेगा। अभी मेरे हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं काम करूँ, आपको दोनों हाथ से इन दोनों को दबा के ऊपर करना होगा, ऐसे इसको हैंडल को ऊपर लाना पड़ेगा, ये जो हैंडल नीचे हुआ है, और हैंडल भी लोहे का है, ये देखें लोहे का लगा हुआ है, वो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसका प्लास्टिक का था, वो जंबो कंपनी का था, ये है कॉस्मोस वालों का, ठीक है जी। अब इसको मैं हैंडल ऊपर करता हूँ, ये देख रही मैं इसका हैंडल ऊपर कर दिया, अब ये देखिए दोनों को मैंने ऊपर कर दिया, ये भी ऊपर कर दिया, ये देखिए बटन दबा के ऊपर करना होता है, नीचे ऊपर भी आप कर सकते हैं। अब ये देखें ये कैरी करने के लिए होता है, हैंडल चाहे तो नीचे कर दें, जब आप घर में आ जाते हैं तो उसको हैंडल को नीचे कर दें, अगर जब कहीं आप जा रहे हैं तो ये ऐसे कैरी कर सकते हैं, ये देख लीजिए ये मैंने कैरी कर लिया, इसको ऐसे आप ये कैरी कर सकते हैं आसानी से, और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इसकी, और बहुत ज़बरदस्त, कोई शिकायत नहीं इसमें, और आपको ये किसी कपड़ा तो बहुत ज़बरदस्त है, आला कपड़ा है। और ये देखें स्टील के पाइप लगे हुए हैं, और इसका एक तरीका और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, डोनट यूज़ एज अ कार सीट, इसको कार सीट में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ये लिखा हुआ है सब कुछ, क्लिक वगैरह, ये देखें हाउ टू लॉक द बकल्स, तो ओके करके ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये देखें ग्रुप 0+9 kg, उससे ऊपर भी है तो बच्चा बैठ सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, चीज़ अच्छी है, मजबूत है। दूसरी साइड में ये था, ये स्टिकर लगा हुआ है ग्रुप 0, 0 और 9 kg,
और ये देखें कार सीट में कैसा लगाया जाता है, ये लिखा हुआ है, देखें सारा कुछ लिखा हुआ है और वेरी डेंजरस में करा है, ये सारी कुछ ये इसके अंदर लिखी गई है। और ये कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये भी देखें लिखा हुआ है, कैसे इसको रखना है कार सीट में, इसको कैसे लगाना है, ये कार सीट के लिए भी इस्तेमाल आता है। तो वो इसके पीछे एक लॉक दिया हुआ है, वो मैं लॉक दिखाता हूँ। ये देखें ये तीर का निशान देख रहे होंगे ना, एक लॉक यूँ जाएगा और एक लॉक नीचे से जाएगा, ये देखें ये आप देख रहे होंगे, ये भी एक है, ये सारा कुछ देखें नीचे बना हुआ है सारा कुछ, ये कार सीट के इस्तेमाल के लिए होते हैं, ये लॉक भी होते हैं, ये जैसे हम लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कार सीट में कैसे लगाना है, जो उसमें लिखा हुआ है देखें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मेन चीज़ है क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक हार्ड है, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी है, कोई मसला नहीं है इसमें, हर चीज़ ओके है और बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन। और ये वाशेबल भी है, इसको आप वाश भी कर सकते हैं। फ्यूज से इसकी मैं प्राइस अगर बताना चाहूँ तो ये है, आपको ये पड़ जाएगा 3500 रुपये का, पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 3500 रुपये का पड़ जाएगा। और ये आपको लाइट हाउस मार्केट, सदर मार्केट से आपको मिल जाएगा और टॉय सेंटर, गिफ्ट सेंटर कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा। मजबूत है, पायदार है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बच्चा इसमें आराम से सो जाता है, ईजी होकर सो जाता है। तो ये आउटडोर के लिए भी बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि ये कार सीट में भी लग जाता है, कार सीट में भी बहुत है। ये देखें कैसे मूव कर रहा है, ये देखें ऐसे मूव कर रहा होता है, ये देखें बहुत ही स्मूथ चलता है और बहुत ही स्मूथ इसकी ड्राइव है, रॉकिंग बोलते हैं, जैसे कि रॉकिंग हो रहा है, रॉकिंग राइट। और आपको इस तरह की बहुत सारी क्वालिटियाँ मिल सकती हैं और ये वैसे ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है। ये पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कम प्राइस वाली भी होती है, 2500 वाली, 1500 वाली भी होती है, इसमें बहुत सारी क्वालिटियाँ आती हैं, कोई हल्की क्वालिटी होती है, कोई अच्छी क्वालिटी होती है। अब ये जो मैं जिसकी वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है, उसकी हैंडल भी, इसका स्टील का क्वालिटी भी अच्छी है और ज़्यादातर कार सीट के लिए भी ले जाते हैं और आउटडोर के लिए भी है, इनडोर के लिए भी है। तो इसमें ये ख़ास बात है कि बच्चा इसमें आराम से सो भी सकता है, कम्फर्टेबल हो जाता है, आराम से सो जाता है। और ये ज़्यादातर ये 0 से लेकर 6 महीने तक इस्तेमाल होता है, उसके बाद ये इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं 6 महीने से ऊपर भी, और ये इसमें बच्चा आराम से सो भी जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो भी बनाते रहेंगे। और वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कॉमेंट्स भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।